2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਜਨਤਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭੀ ਸਰਵੇ ਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਸੇ ਬੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੀ ਮੇਂ 57 सीट दिखा रहे हैं, किसी में 58 सीट दिखा रहे हैं, किसी किसी में 60 सीट भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है बस पहुंच ही गए हैं, बस दो कदम और बचे हैं, बस दो तीन सीट का और मसला है। तो एक तो मैं अपने सारे वॉलंटियर्स को कहना चाहता हूं कि आखिरी धक्का मार दो सारे जने और सरकार बन जाएगी। और एक सभी पंजाब के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि बस अब आखिरी धक्के की जरूरत है, आखिरी पुश की जरूरत है। वोटिंग वाले दिन सारे जने जम के वोट डालना कि बस ये आखिरी चीज भी। सबसे निवेदन है कि ये 60 नहीं, कम से कम 80 सीट, 80 के ऊपर आनी चाहिए। तो सारे जने धक्का मारो, आखिरी धक्का मारो। सारे वोटर्स जो हैं खूब जम के वोट डालो, प्रचार भी करो, अभी 20-25 दिन बचे हैं, और सारे वॉलंटियर्स भी खूब मेहनत करो। तो ये तो लगभग तय हो चुका कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी का जो भी सीएम चेहरा होगा वो पंजाब का अगला सीएम होगा, ये भी अब लगभग तय है। तो आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा कौन होना चाहिए? अक्सर देखने में आया कि पार्टियां अपने, कोई अपने बेटे को बना देता है सीएम का चेहरा सीएम, कोई अपने बहू को बना देता है, कोई अपने घर वाले को बना देता है। भगवंत मान जी हमारे बहुत प्यारे हैं, मेरा छोटा भाई है, आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। हम भी अपने कमरे में बैठ के, मैं तो कह रहा था कि भगवंत मान को बना देते हैं। भगवंत ने कहा नहीं, जनता से पूछना चाहिए सर। भगवंत ने कहा कि जो जनता मेरे को जिम्मेदारी देगी वो जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। ये बंद कमरे पे सीएम का चेहरा डिसाइड करने का ये सिलसिला बंद करना चाहिए सर। तो मैं पहले भगवंत को ही कहूंगा कि आप अपना विचार रखो, उसके बाद में रखो। बहुत बहुत मेहरबानी। बिल्कुल सही कहा सीएम साहब ने, ते वो कहंदे भी जो तेरा नाम है वो डिक्लेयर कर देने हैं सीएम वास्ते। मैं कहा जी सर आम तौर ते पार्टियां सीएम लोगों ते थप दियां ने कि साडा आ कोटे चो होगा, साडा ऐस कोटे चो आ होगा, ऐस कोटे चो आ होगा। लोगों नूं पुछदियां नहीं हैगियां, जबकि 5 साल लोगों के दुखां सुखां दे विच सीएम ने जाना हुंदा। तो मैं कहा जी सर आपां लोगों चो निकले हां, क्यों ना ये भी लोगों तो पुछ लिया जावे कि आम आदमी पार्टी दे नेतावां चो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਕੇ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 70 748
70748 ये जारी कर दिता गया। ये SMS करके जब कॉल करके जब WhatsApp ते मैसेज करके तुसी अपना मनपसंद मुख्यमंत्री का चेहरा दस सकते हो ते उन्हां दे जिहड़ा डाटा इकट्ठा होगा उहदे चों रिजल्ट कढ के तुहाडे सामने मुख्यमंत्री जिहड़ा पंजाब दा जिवें कि CM साहब ने कहा कि लगभग मुख्यमंत्री का चेहरा ही चुनणगे लोग कैंडीडेट नहीं चुनणगे। सो मैं पार्टी का वफादार सिपाही हाँ, मेरी ड्यूटी चाहे कंधा के उत्ते पोस्टर चिपकाउण दी ला दित्ती जावे मैं वह भी करूँगा। मेरी ड्यूटी भावें किसी शहर च किसी चौंक च खड़ा होकर झाड़ू लहराउण दी ला दित्ती जावे मैं वह भी करूँगा। मेरे लिए पंजाब इंपोर्टेंट है, मेरा पंजाब ठीक हो जाए। मैं कोई बहुत वड्डे वड्डे शोहरत हाँ, मैं बहुत वड्डी वड्डिया मशहूरियां देख के आया। सो मैनू उन्हां चीज़ां दी कोई चाहत नहीं, पर हाँ CM साहब ने मेरे ते इन्ना ज़्यादा माण कीता, मेरे ते इन्ना ज़्यादा विश्वास कीता, उहदी कोई कीमत नहीं। सो ये नंबर जिहड़ा जारी कर दिता गया अगे जानकारी लई फिर दोबारा। तो आज हम ये नंबर जारी कर रहे हैं 70748 70748 70748 70748। पंजाब के लोगों से मेरी विनती है कि ये शायद भारत में पहली बार हो रहा है, 1947 के बाद इतने चुनाव हुए आज तक किसी पार्टी ने जनता से नहीं पूछा कि हमारा CM चेहरा कौन होना चाहिए। पहली बार आम आदमी पार्टी जनता से पूछ रही है कि भाई अब सरकार बनने जा रही है, हम नहीं तय करेंगे, आप तय करो कि CM चेहरा कौन होना चाहिए, जिसको आप कहोगे हम उसको CM चेहरा बनाएंगे। इस नंबर पे आप WhatsApp कर सकते हो, इस नंबर पे आप SMS कर सकते हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और कॉल करके अपनी आवाज छोड़ सकते हो। 17 तारीख को 5 बजे तक शाम को ये नंबर खुला रहेगा। आज 13 तारीख है, 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये नंबर खुला रहेगा। उसमें जितने भी जवाब आएंगे, लोगों के जितने रिस्पॉन्स आएंगे, उसके आधार पे आम आदमी पार्टी अपना CM चेहरा ऐलान करेगी, उसके मुताबिक पंजाब का अगला CM तय किया जाएगा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप। हमारी अपनी पर्सनल पसंद इम्पोर्टेंट नहीं है, पंजाब की पसंद इम्पोर्टेंट है। सर कल एक नोटिस हुआ है, कल आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे खारगोड़ विलेज में, खारगोड़ तो वहां एक उसका जवाब दे दिया हम लोगों ने आज। हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जवाब आप दे देंगे सर, एक्सपर्ट है आप इसमें, बट दूसरी पार्टीज भी कर रही हैं, उनको नोटिस किसी को नहीं हुआ है, उन्होंने फेसबुक पे भी डाला है, आपको ही हुआ है। ये प्रश्न तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, इलेक्शन कमीशन से। मैं इसका क्या जवाब दूं? अरविंद जी, हम ये कह सकते हैं कि भगवंत मान साहब के नाम पे पार्टी में एक राय है, लेकिन जो आपने कहा कि ऐसा पहली बार होगा कि कोई पार्टी जनता से राय लेके CM चेहरे का ऐलान करेगी, तो वही अब जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं ताकि उस पर मोहर लग सके, हम कह सकते हैं पार्टी की ओर से भगवंत मान ही चेहरे के तौर पर तय? पार्टी उसी चेहरे पे मोहर लगाएगी जो जनता कहेगी। मैं तो ये कहूंगा कि जनता अपना पसंदीदा CM चुन ले, कोई बाहर का होगा भगवंत उनके घर जाके उनको लेके आएगा। हमें अच्छा CM चाहिए पंजाब के अंदर, ये पार्टी वो पार्टी फलाना सारे अपने हैं, 3 करोड़ पंजाबी अपने हैं अपने को। हमें आम आदमी पार्टी हमारे लिए प्यारी नहीं है, हमारे लिए देश प्यारा है, हमारे लिए पंजाब प्यारा है। पंजाब की तरक्की के लिए पंजाबी कहेंगे जी ये CM होना चाहिए, वो आम आदमी पार्टी का CM चेहरा होगा। सर एक सवाल आप पूछना चाहेंगे, जहां पे कांग्रेस या बाकी पार्टी पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो पंजाब से ही होगा, जैसे आप बोल रहे थे यहाँ पे कोई और चेहरा, आप अपने आप को कंटेंडर मान रहे हैं? हमने तो निर्णय 3 करोड़ पंजाबियों पे छोड़ दिया, जो जनता कहेगी जी ये होना चाहिए वही होगा हमारा। अगर नहीं आता है, तो क्या आप
अरविंद केजरीवाल नहीं, अरविंद केजरीवाल टक्कर में नहीं है बिल्कुल नहीं है। मैं समझ गया आप लोगों को शायद ये शक हो रहा है, अरविंद केजरीवाल बाहर है इस कंपनी। केजरीवाल जी एक सवाल, एक सवाल है, एक मिनट, वो कई देर से बोल रहे हैं। किसानों के साथ ममता बनर्जी, किसाना ना कौन जी, ममता बनर्जी अलायंस कर लेगा किसानों के साथ, उसकी जगह जान ली किसाना का अलायंस सभी ने मांग की सीखा वो उसी का टूट गया, कल थोड़ा ध्यान आ गया कि योगी कंसंट्रे ममता बनर्जी या स्टेट का थोड़ी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी बिचौलगी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी और किसानों का समझौता कराने के लिए? देखिए, हमारे लिए जैसा मैंने कहा, हमारे लिए तो पंजाब इम्पोर्टेंट है, पंजाब की तरक्की के लिए जितनी भी ताकतें हैं सबको साथ आना चाहिए। तो अगर उस साथ लाने के लिए अगर कोई भी अगर वो करता है, हमारे तो को, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सबको साथ आना चाहिए जो भी आज पंजाब की तरक्की चाह रहा है। जब हम अपना मुख्यमंत्री का डिसीशन पंजाब के 3 करोड़ लोगों पर छोड़ रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं कि पंजाब की तरक्की में जितने भी लोग हैं सब लोगों को साथ आना चाहिए। केजरीवाल जी एक सवाल है, अभी आपने कहा कि भगवंत जी खुद लेकर आएंगे, अगर लोग किसी और को पसंद करेंगे तो वो कोई पार्टी से भी हो सकता है, किसी और पार्टी से हो सकता है, या कुछ ऑप्शन है कि अपने ही विधायक हैं, अपने ही जिनको टिकट दी गई है उनमें से लोग हैं? आप थोड़ा सा जनता पे यकीन रखिए, 4 दिन की बात है, 5 दिन की बात है, जो नतीजे आएंगे वही करेंगे। अब जनता क्या कहेगी, मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो इतना ही कर सकते थे, हमने अपने हाथ काट के हमने जनता के सामने रख दिया। अब जनता तय करेगी 17 तारीख को शाम को 5 बजे तक ये टेलीफोन लाइन। लास्ट क्वेश्चन, मेरे को किस लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने हैं यार? आपके, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कोई सबूत दिया उन्होंने? आप कौन से चैनल से हो? मान लो ये कहा जाए कि न्यूज 18 का मालिक कौन है तो मान लो ये कहा जाए कि उन्होंने इतने करोड़ रुपए ले लिए, तो आप तो यही कहोगे ना जी सबूत दो। मैं भी यही कह रहा हूं, सबूत तो दो। तो एलिगेशंस के ऊपर आप अपनी पूरी जर्नलिज्म बेस कर रहे हो। जर्नलिज्म का मतलब होता है सच दिखाते हैं, सच दिखाओ यार, सबूत दिखाओ। मैंने कल भी कहा था सबूत लेके आओ, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। केजरीवाल सर, अमन फ्रॉम रिपब्लिक टीवी, देयर आर 6 एविडेंसेस इन पीएम सिक्योरिटी ब्रीच दैट खालिस्तानी इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच एविडेंट इन दैट, बट पंजाब गवर्नमेंट इज स्टिल वेरी साइलेंट, नो एक्शन, नो स्टेटमेंट, नो इंक्वायरी हैज बीन टेकन। मैंने कल भी कहा था आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उस सरकार में प्रधानमंत्री भी सुरक्षित होंगे और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी सुरक्षित होंगे। आज प्रधानमंत्री भी असुरक्षित हैं और पंजाब के 3 करोड़ लोग भी असुरक्षित हैं।